अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। कोरोना के हवाले से तवक्को तो थी कि इन दिनों में एक स्पाइक आएगी और वो हमारे सामने आ रही है। केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और हमें सख्त फैसले भी करने हैं। एक तरफ जहां ये कन्फ्यूजन है जिसके हम बात करते रहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो किस तरह का होना चाहिए, जिस पर फैसला नहीं हो सका। और हम हमेशा ये बात कहते हैं कि जब तक आप इस पर भरपूर अंदाज से फैसला नहीं करेंगे और एक हिकमत अमली नहीं बनाएंगे, इस वबा पर काबू पाना आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। और वो हमें नज़र आ रहा है, ये सब कुछ अपनी जगह। लेकिन आलमी मालियाती इदारा वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि कोरोना का अगला मरकज़ जनूबी एशिया, खुसूसन पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान होंगे। ये ख़तरनाक बात है और शायद इसी वजह से इमरान खान साहब दुनिया भर को मुखातिब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया मिलकर इसका मुकाबला करें, गरीब ममालिक का अमीर ममालिक ख्याल करें, इनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर करें, कर्ज़ों में नरमी दें, जो पाबंदियां कहीं लगी हुई हैं उनको ख़त्म करें, तब कहीं जाकर पूरी दुनिया अगर मुकाबला करेगी तो हम कोरोना से लड़ेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जिस हम आहंगी की ज़रूरत थी उसका शदीद फुकदान है। वही इमरान खान साहब जो पूरी दुनिया को यकजुट होकर कोरोना का मुकाबला करने की तलकीन कर रहे हैं, उनकी अपनी काबीना के लोग क्या बातें कर रहे हैं, फैसल वाडा साहब ने गुफ्तगू की है, आपको सुनाता हूं। स्टेशन कमरों में बैठकर सीएम साहब बातें कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि जी 12 यूसीओं को 7 लाख आदमियों को हम बंद कर देंगे। 7 आदमियों को तो बंद नहीं कर सकते। कहीं पर इनका वजीर इनके सीएम से ज्यादा तगड़ा है, कहीं पर इनका सीएम बेबस से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे। 7 लाख आदमियों को बंद करने की आप बात कर रहे हैं, इस पे से 70 आदमी भी रोड पे आ गए तो आप संभालने की कैपेसिटी नहीं है आपके अंदर। 2.5 अरब रुपए आपको प्राइवेट लोगों ने फंड दिया है सिंध गवर्नमेंट को, वो फंड कहां गया है? जो गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट ने फंड निकाला था गरीब को राशन देने के लिए, वो किधर है? किधर है आपके सारे एमएनएस सिंध गवर्नमेंट के, पीपल्स पार्टी के, जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि जीना मरना हमारा आवाम के साथ, मर रही है अभी आवाम। कहां खड़े हैं आप लोग? मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब के अहकाम थे कि ऐसी कोई चीज अभी इस मुश्किल वक्त में नहीं करनी, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं कि सर ये वबा तो वबा है लेकिन सिंध गवर्नमेंट अपनी नाअहली इनकॉम्पिटेंस की वजह से इस वबा को बचाने और ख़त्म करने के बजाय इसको सबसे ज़्यादा फैलाने में आ गई है। दिलचस्प बात यह है कि तनकीद तो अपनी जगह, लेकिन वाडा साहब जिस पैकेज की बात कर रहे हैं, सिंध हुकूमत की 1.5 अरब रुपए की बात कर रहे हैं, वो मुखैर हजरात की का जिक्र कर रहे हैं कि मुखैर हजरात ने जो पैसे दिए थे वो कहाँ गए, दिए वो कहाँ गए? सिंध हुकूमत कह रही है कि आपने जो वादे किए थे वो पैसे कहाँ हैं? बहरहाल ये एक ऐसी लड़ाई है कि अगर हम इसमें पड़ेंगे तो हमारा फोकस आउट होगा और कोरोना से जो हमें इस वक्त लड़ना है, जो उसको शिकस्त देनी है, उसमें शायद हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। दूसरा अहम मामला ये है कि किसी भी मौसर लॉकडाउन की सूरत में, जिसके वक्त किसी वक्त भी आ सकता है, कराची हो, लाहौर हो, सिंध का कोई इलाका हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, कहीं भी, हमें अब ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि हम पूरे पूरे इलाकों को सील करें, लॉकडाउन करें। कल एक फैसला किया गया था, फिर उसे नर्म किया गया कि यूसीज सील की जाएंगी, फिर गलियां सील कर दी गई। बहरहाल किसी वक्त भी हो सकता है कि पूरे पूरे इलाकों को क्वारंटीन कर दिया जाए। ऐसी सूरत में इमदाद किस तरह पहुँचेगी लोगों को? लोगों के कारोबार नहीं है, आज 21 दिन हो रहे हैं सिंध में लॉकडाउन को, पंजाब में भी तकरीबन 15 दिन होने को आ रहे हैं, तो इस सूरत हाल से हम कैसे निपटेंगे, इस पर भी बात करेंगे। कमल शौजब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ, शैला रजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अता तारर साहब रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, जफर अब्बास साहब से भी हम गुफ्तगू करेंगे, लोगों को राशन पहुंचाना और खाना खिलाना इसके लिए वो बड़ा काम करते हैं, तो उनसे पूछेंगे कि क्या किया जा सकता है और वो जो काम कर रहे हैं उसका तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले कमल शौजब साहबा, फैसल वाडा साहब की मैंने गुफ्तगू सुनाई, एक तरफ इमरान खान साहब पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि एक हो जाओ, दूसरी तरफ हम अपने मुल्क के अंदर एक नहीं हो रहे, ये तजाद हमें लेके कहाँ जाएगा? ये तो हम कोरोना के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम तो सियासत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच मसूद साहब। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो दुनिया को मशवरा दे रहे हैं या दुनिया से अपील कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में है। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से को इनकाउंटर कर रही है और अब हर मुल्क अपनी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहा है और अभी तक मुझे तो बेबसी ही नज़र आई है कोरोना के सामने। दूसरी बात जो पाकिस्तान के अंदर है, आपको पता है सूबाई हुकूमतें 18वीं तरमीम के बाद उनकी ऑटोनमस पावर्स होती हैं, वो ख़ुद अपनी स्ट्रेटजी भी बनाती हैं, उसको एग्जीक्यूट भी करती हैं, और पाकिस्तान की फेडरल हुकूमत ने तमाम सूबों को सपोर्ट प्रोवाइड भी की और वज़ीर आज़म इमरान खान रोज़ाना तकरीबन मीटिंग्स ले रहे हैं जिसमें इनके नुमाइंदे शामिल होते हैं। आपने जो इंट्रोडक्शन में बात की कि वज़ीर आज़म के वज़रा अलग अलग बात करें, बात ऐसी नहीं है। बात यह कि कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 14 जो हैं एमएनएस को इलेक्ट हुए हैं और वहाँ की जो सूबाई हुकूमत के अंडर जो लोकल गवर्नमेंट भी आती है, दूसरी भी सारी मशीनरी आती है, तो
तो लोगों के कंसर्न्स हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के कंसर्न्स हैं और वो उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। जब लोग सूबाई हुकूमतें ऑटोनोमस तरीके से चल रही हैं, डिसीजन मेकिंग की पावर ज़्यादातर चीफ मिनिस्टर साहब के पास है और सिंध ने सबसे पहले सबसे बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन ऑन ग्राउंड जब आवाम सफ़र करेगी तो ऑब्वियसली इलेक्टेड मेंबरान शोर मचाएंगे। देखिए ना, और ये हर जगह होगा जहाँ से रिएक्शन है। एक ड्रामे का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और अपने क्रूशल टाइम पर आपके वजीर आकर मीडिया पर ये बात कर रहे हैं। आपने तनकीद करनी है, मसले को हल करना है, मसले को उलझाना है, बढ़ाना है, अवामी बनाना है, सियासी बनाना है, क्या करना है आपने? देखिए, तनकीद उनका हक है। जब वो जिस इलाके में बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बात राइटली पॉइंट आउट की है कि ये टाइम है नुमाइंदों के निकलने का या लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करने का, ना कि ये कि अब हम सिर्फ मतलब जो ऑन ग्राउंड जिन्होंने एग्जीक्यूशन करनी है वो नज़र ही ना आए नुमाइंदे। आप कराची में भी रहते हैं, आपको अंदाज़ा होगा, सिंध में भी निकल के आप देख लें ना, तो अगर आपको ग्राउंड पे मशीनरी काम करती नज़र नहीं आएगी, लोगों को आप बंद रखेंगे तो आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि फंड्स तो सूबाई हुकूमत का अपनी जिम्मेदारी है। इस वक्त जब इन्होंने लॉकडाउन सबसे पहले किया था तो इन्होंने कहा था कि हमने पूरा मैकेनिज्म बना लिया, हम लोगों को घरों में राशन पहुंचाएंगे। इस वक्त हाल ये है कि हमारे एमएनए जो हैं वो अपनी जेब से सारा खर्चा करके मेजॉरिटी मुझे घरों में राशन पहुँचाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने कभी ये बात जी, उन्होंने बिल्कुल कहा था कि हमने पूरा मैकेनिज्म बनाया है और हमारे लोग जो हैं वो यूसी वाइज सारे काम कर रहे हैं और हम जनाब लोगों को घरों में राशन देंगे, हम लॉकडाउन पे जा रहे हैं। और उस वक्त हमने बहुत तनकीद बर्दाश्त की, हमने सुना, हमें तो इन्होंने पहले दिन से कहना शुरू किया हुआ है कि जी नाहल हैं, ये हैं, इनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, डिसीजन पावर नहीं है। आज आपने देखा 21 दिन के बाद टाइम ने प्रूफ किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो बात कह रहे थे कि मल्टी ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ हमें मूव करना है, हम लोगों को बंद करके भूख से नहीं मार सकते। इस वक्त हालात इस तरफ जा रहे हैं, मैं आज भी कह रही हूँ कि अल्लाह मियां हमें अपनी पनाह में रखे और हमारे पे रहम करते हो, हमारी अल्लाह अल्लाह ताला सबको अपनी पनाह में रखे, शहला रज़ा साहिबा पूरी हो, खत्म हो, उससे माफी, मुझे सिर्फ एक जुमला कंप्लीट करने दे, जो अज़ाब पूरी दुनिया पे इस वक्त कवन शहला साहिबा फिर आता हूं आपके मुसल्लत है, इसका कोई हल निकालना है तो कोई बेहतर तरीके से निकाले। मैं फिर आता हूं, फिर आता हूं आपके पास। अवामी नुमाइंदे शहला रज़ा साहिबा, एक तरफ तो ये बात हो रही है कि अवामी नुमाइंदे नजर नहीं आ रहे। जो दावे सिंध ने किए थे कुछ दिन तक तो बड़ा अच्छा रहा और अब सब सत्यानाश हो गया है, ना कोई लॉकडाउन है, ना अवामी नुमाइंदे बाहर आ रहे हैं और अब सोच लिया गया या कि कोई फटिक आ गई है, थक गए हैं आप लोग, काम नहीं कर पा रहे, मसला क्या है, तनकीद हो रही है आपकी? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। ये एक मूवमेंट है जो अब वफाक की तरफ से सिंध के खिलाफ चलाई जा रही है और एक नैरेटिव दिया जा रहा है। अभी तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह भूख से नहीं मरा है, कोरोना से लोग मरे हैं। और मैं ये इनको बता देना चाहती हूँ, पूछिए अपने एमपीएस से पीटीआई के कि कितने लोगों ने अपनी एक महीने की तनख्वाह दी, आपको शर्म आ जाएगी। और ये जो आज बैठे हुए थे जिनका नाम है फैसल वाडा, ये वही है ना जो चाइनीज एम्बेसी पे हमले के बाद जब सब कुछ ख़त्म हो गया था तो गन लगा के पहुँच गए थे, ये कहाँ हैं? और मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि तनकीद करने वालों, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएं, आपको एक एक पाई का हिसाब मिल रहा है। आप जो हैं आपको पता ही नहीं है कुछ। हमने तमाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड लिया है, हमने कोई टाइगर वाइगर का ड्रामा नहीं खेला है, हमने यूसी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, वार्ड काउंसिलर और उनके साथ मुख्तलिफ पार्टीज के लोग लगाए हैं, क्योंकि हम ये चाहते थे पहले कि हमें नादरा से लिस्ट मिल जाए, पीटीए से लिस्ट मिल जाए, टेलीकॉम से मिल जाए, ताकि एक हमारे पास डाटा आ जाए। एक तो उन लोगों का जिनको अब एहसास प्रोग्राम कर दिया गया है, जो पहले इनकम सपोर्ट था, उनके नाम आ जाए और हम अपना काम शुरू कर दें। इन्होंने जो है उसको दानिस्ता रोका, अल्हम्दुलिल्लाह हमने डीसी के साथ हर लेवल पर कमेटी बनाई है और राशन की तरसील का काम बाई किया और फूड पांडा के थ्रू कर रहे हैं। हमारे 7-8 मिनिस्टर वजीर आला के साथ खड़े होके एक आदमी को डब्बा नहीं दे रहे, ना उस पर वजीर आला की तस्वीर है। अच्छा। जैसे कि इमरान खान साहब की तस्वीर है। और अभी आपकी प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले कराची में तकरीबन 2 लाख लोगों को जो है वो राशन दिया जा चुका है और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने तौर पे काम कर रही हैं, लेकिन जो हमारे साथ मिलके कर रही हैं, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट की ऐप पर उनका नाम
मेंशन है कि उन्होंने कितने कितनी जगह पर कितना राशन दिया, कितने दिन का दिया। अगर 15 दिन का राशन है तो 15 दिन के बाद वो इलाके के जो नाम है वो बीप करने लगेंगे, रेड हो जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास घर भी पहुंचा रहे हैं डोर स्टेप पर। जी, ज़कात का जो फंड था वो हमने 1,00,000 घरानों को 6,000 दे दिए। सबसे अहम मामला तो ये है कि लॉकडाउन जो होना चाहिए था वो तो नज़र नहीं आ रहा शहर के अंदर, तो वो क्यों नज़र नहीं आ रहा? अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त पंजाब में क्या सूरत हाल है। तरण साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा तरण साहब, आप क्योंकि वहाँ मौजूद हैं, हमें बताइए भी कि वहाँ क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पर हो रहा है, और जो इकदाम है पंजाब हुकूमत के वो कहाँ तक आपको बेहतरी की तरफ नज़र आ रहे हैं? फिर आपने भी कोशिशें की थी कि आप आज खुद निकलेंगे, शहबाज शरीफ साहब लोगों की मदद भी करेंगे, अपने डॉक्टर्स के लिए आपने गेयर्स और किट्स वगैरह भी जमा की थी, कहाँ तक पहुँचा ये सारा काम? बहुत शुक्रिया मसूद रज़ा। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कल मैंने एक रिसर्च की और इंटरनेशनल मीडिया जिसमें बीबीसी वर्ल्ड, सीएनएन इंटरनेशनल शामिल है, जो कोयटा में डॉक्टर के साथ वाकया पेश आया और उनको अरेस्ट किया गया, डिटेंशन किया गया सिर्फ हिफाजती किट्स मांगने पर, उसकी कवरेज इंटरनेशनल मीडिया ने की, और आप सिर्फ पाकिस्तानी डॉक्टर्स ट्विटर पे जाके लिखें तो आपको पूरी फहरिस्त मिलेगी कि इंटरनेशनल मीडिया इस वाकये को कितनी उन्होंने मजम्मत की। और अल्लाह ताला के फजल से खुदनुमाई की बात नहीं है, हमने 24 घंटों के अंदर अंदर कोयटा के सिविल हॉस्पिटल में जो हिफाजती किट्स हैं वो डॉक्टर्स के हवाले की, और जहां जहां जरूरत पड़ रही है। अच्छा सर, बड़ी अच्छी बात है कि आप भी ये काम कर रहे हैं, मगर ये बताएं कि इस काम में डबलिंग नहीं होगी, यानी हुकूमत भी सामान पहुंचा दे, आप भी पहुंचा दें, ये जफर साहब बैठे ये भी पहुंचा दे, जमात इस्लामी भी पहुंचा दे, तो ऐसा नहीं होगा? ऐसा कोई निज़ाम मौजूद है मुल्क में? जी जी बिल्कुल मौजूद है, हमारी हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ अस्पतालों में रابطہ है, और जब हमारी जो किट्स हैं वो पहुंची, क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये डिस्पोजेबल किट है, इसको मैक्सिमम डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी मैक्सिमम 3 दिन पहना जा सकता है अगर बहुत भी खींचे, क्योंकि ये आइसोलेशन वार्ड्स और जहां पे मरीज हैं ये वहां के इस्तेमाल के लिए है। तो मेरा पूछने का मकसद ये है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, मगर हुकूमत का तावुन कहां तक हासिल है? क्योंकि जाहिर सी बात है एक बड़ा अम्ब्रेला तो वही है, उसके नीचे अगर रहते हुए काम करेंगे ज्यादा मुनज्जम होगा। देखिए, अभी तक हुकूमत ने ना तो कोई राशन के हवाले से, ना कोई पीपी किट्स के हवाले से, और हम जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो हम डेटा ले रहे हैं अपने नुमाइंदगान से, ज़िले इंतज़ामिया के ज़रिए, लोकल अपने नुमाइंदों के ज़रिए, कि कहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं। जिस तरह गुजरात है उधर केसेस ज़्यादा हैं, डेरा गाजी खां है वहाँ केसेस ज़्यादा हैं। हुकूमत अभी तक, यकीन मानिए, मैं इधर लाहौर में भी निकला हूँ, मैं उस शहबाज शरीफ साहब के साथ नथा सिंह, एक गांव है लाहौर का, नवाही कस्बा है, वहां गया। आज मैंने अंदरून शहर का एक विजिट किया है, ये अकबरी मंडी वाली साइड है। एक तो लॉकडाउन के हवाले से कोई अमल दरामद नहीं है, यानी कोई पूछताछ नहीं है कि कोई अगर निकला है वो क्यों निकला है, और एक ट्रैफिक का बाहर रश भी मौजूद है, और दूसरा हुकूमत का कंट्रोल कहीं पर नजर नहीं आता। मुझे तो कहीं पर राशन तकसीम करते हुए ट्रक नजर नहीं आए, हम अपने तौर पे कर रहे हैं, जमात इस्लामी ऐसा होना हैं, भी नहीं चाहिए मस्जिद के साथ कि कहीं ट्रक खड़े हो और राशन तकसीम हो रहा हो। नहीं नहीं नहीं, मेरी तो सोशल डिस्टेंस की बात करनी है। मुकम्मल करने का मौका दें, जो मुल्तान में हुआ और बाकी जगहों पे हो रहा है कि लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह हो रही है, और बाकायदा एक धक्कम पेल है, और जो एहतियाती तदाबीर है उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये तो लोगों को रिलीफ मिलना था बकायदा उनकी दहलीज पर, डोर स्टेप के ऊपर। जी, तो ट्रक्स की मूवमेंट होती है तो गली मोहल्लों में जाके ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती है ना जी। ठीक। और जहां तक टाइगर फोर्स की बात है, अभी तक हमारे तो किसी भी ऑपोजिशन के एमएनए या एमपीए से राबता नहीं किया गया, मैं अभी अपडेट लेके आ रहा हूँ। अच्छा। और टाइगर फोर्स का इन्होंने खुद कहा, वजीर आजम साहब ने लाहौर में, कि ये सियासी फोर्स है और आप हल्कों में जिंदा हो जाएंगे। तो हमारे जो इलेक्टेड रेप्स हैं अक्रॉस द बोर्ड, तमाम पार्टियों के जो इलेक्टेड रेप्स हैं, हम अपने तौर पे तो कर रहे हैं, हमने फंड रेजिंग भी की है, हम और शहबाज शरीफ साहब ने जो हिदायत दी है मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पे, वो हम अब यूसी वाइज जा रहे हैं। ठीक। और पूरे पाकिस्तान, आपका पॉइंट आ गया कि आप खुद तो कर रहे हैं लेकिन जो बड़ा अम्ब्रेला गवर्नमेंट का है वो आपको दस्तियाब नहीं है, जिसके नीचे रहते हुए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हों और ज्यादा मुनज्जम तरीके से काम हो। जफर साहब, आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं बहुत बड़े पैमाने पर आप काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट अम्ब्रेला कितनी ज़रूरी है ऐसे सूरत हाल में जब पूरे मुल्क में ये काम करना है, और चाहे वो टाइगर फोर्स हो, वो वफाकी हुकूमत की कोशिशें हों, वो सूबाई हुकूमत की कोशिशें हों, तो सपोर्टिव तो होंगी आपके लिए,
ہیں بھی آپ کے پاس یہ آفر ہے آپ کے پاس موجود؟ جی جی دیکھیں ہمارے لیے میں ایک بریک لے لوں ظفر بھائی، ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد فوراً آتا ہوں، یہ سوال آپ سے کرتا ہوں۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ حکومتیں یہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ لوگوں کو راشن بانٹنا، اس کے لیے نظام بنانا ہوگا۔ ابھی تک آنیسٹلی اگر میں چاہے وہ سندھ حکومت ہو، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، چاہے وہ پنجاب حکومت ہو، پبلک میں جاتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہو تو آپ کس سے رابطہ کریں گے، کیسے رابطہ کریں گے، تو لوگ اس بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کون ان کے آس پاس ایسا ہے موجود ہے جو ان کی مدد کرتے اور وہیں سے وہ مدد لینے کو ترجیح بھی دیتے ہیں۔ ظفر عباس صاحب، آپ کی طرف بہت سارے لوگ آتے ہیں، سوشل ڈسٹینس بھی مینٹین رکھنا ہے، لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے، اور ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو، ملک میں ایک پالیسی ہو، ایک نظام ہو، تو آپ کا کام بھی زیادہ اسموتھ ہوگا۔ تو یہ مدد حاصل ہے آپ کو حکومتوں سے؟ دیکھیں حکومت سے ہمیں سیفٹی اور سیکیورٹی تو حاصل ہے، لیکن کوئی گرانٹ وغیرہ یا کوئی اس قسم کا سلسلہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ لوڈ بہت زیادہ ہے اس وقت، پوزیشن اب جو آج کے دن میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت یہ پوزیشن ہے، ہمارے پاس 1 ملین سے اوپر اپلیکیشنز آ چکی ہیں۔ ہم نے چونکہ جس وقت یہ کام شروع کیا تھا 5,000 راشن پر ڈے، 8,000، 10,000، اس وقت تک تو چلے ہم کسی نہ کسی طرح سے ڈور ٹو ڈور پہنچا بھی رہے تھے، لیکن جب یہ آپریشن بڑھ گیا ہم نے کہا اب کس کے پاس جائیں۔ یو سیز کی اپلیکیشن تو آ رہی ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم جس یو سی کو دے رہے ہیں اس علاقے سے 1,000 کالیں آ جاتی ہیں کہ یار آپ نے کس کو دے دیا، انہوں نے تو یوں رکھ لیا، اپنے کارکنوں کو دے دیا، یوں کر دیا۔ پھر ہم نے ایک بڑا آپریشن شروع کیا، ہم نے بہت بڑے پیمانے پہ اعلان کر دیا، تمام سوشل میڈیا پیجز استعمال کیے پورے سندھ کے، کہ بھائی آپ کے محلے کی جو بھی مسجد ہے، جو بھی مندر ہے، جو بھی چرچ ہے، جو بھی گرودوارا ہے، اس کے لیٹر ہیڈ پہ لکھواؤ، وہاں کا کوئی بھی ٹرسٹی، کوئی بھی نمائندہ یہاں آ جائے، ہم اس کو راشن دے دیں گے۔ ایک ویڈیو اس کی جاری کر دیں گے کہ اس کو اتنے راشن دیے، ایک سوزوکی، ایک ٹرک، ایک شیزور، تاکہ جب یہ اپنے محلے میں، اپنی گلی میں پہنچے تو وہاں کے جو ضرورت مند ہے رات کے اندھیرے میں اس سے ملے اور راشن لے لے۔ طور پہ کر رہے ہیں نا، میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا نظام موجود ہے جہاں پر، کیونکہ حکومت کے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے، وسائل زیادہ موجود ہوتے ہیں، لوگوں کے ڈور اسٹیپ پر خود ہی سامان پہنچ جائے، لوگ کسی بھی ذریعے سے رابطہ کریں، انہیں دوبارہ کہنا نہ پڑے، آسانی کے ساتھ کام ہو جائے، تو حکومت کی، حکومتی اداروں کی اس میں کوئی آپ کو سپورٹ حاصل ہے؟ دیکھیں حکومتوں کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا ہے زکوٰۃ کارڈ یا بےنظیر انکم سپورٹ پروگرام کارڈ یا احساس کارڈ، ان کارڈوں کا ڈیٹا ہے۔ حکومتوں کے پاس ان کا ڈیٹا نہیں ہے جو خود اپنے ہاتھ سے مدد کیا کرتے تھے لوگوں کی، وہ اپنی دکان چلا رہے تھے، کسی کی میکینک کی دکان تھی، کسی کی سلینسر کی تھی، کسی کی باربر شاپ تھی، کسی کی گوشت کی دکان تھی، وہ 1500 روپے کماتے تھے، 1200 روپے اپنے اوپر خرچ کرتے تھے، 300 روپے غریبوں کو دے دیتے تھے۔ آج جب ان کا سارا کام بند ہو گیا ہے اور ان کے گھروں پہ بل 3 گنا زیادہ آ رہے ہیں یوٹیلیٹیز کے، اسکول والے اپنے واؤچر ٹی سی ایس کے ذریعے بھیج رہے ہیں کہ 3 مہینے 4 مہینے کی فیسیں جمع کراؤ، مالک مکان دروازہ پیٹ رہا ہے اسی اسپیڈ سے کہ بھائی کرایہ دو، اتنی ساری ذہنی ٹینشنوں والا آدمی جو کل تک مدد کر رہا تھا، اس کا ڈیٹا کیسے آ سکتا ہے آپ کے پاس؟ بلکہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یقین جانیے، ان کی تو جب بیٹی یا بیوی فون کرتی ہیں ہمارے ادارے میں تو وہ بتاتی ہیں ہم نے اپنے شوہر یا اپنے پاپا کو بتایا نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر میں کھانا ہے نہیں۔ تو آپ یقین کریں جو ہمارے وہ رینٹے کار کی گاڑیاں چل رہی ہیں، جو 1600 گھر کور کر رہی ہیں ڈور ٹو ڈور، ہم کوشش کر رہے ہیں 2600 سے 3000 گھروں کو ڈور ٹو ڈور، اور تقریباً 250 گاڑیاں ڈیلی رات لوڈ ہوتے ہیں، 2 چورنگیوں تک یہ لائن ہوتی ہے، آپ کسی دن بھی رات 2 سے صبح 7 تک دیکھ سکتے ہیں ان کو بھر بھر کے روانہ کر رہے ہیں، اور ان تمام لوگوں کی تفصیلات ڈال رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ تاکہ لوگوں کے اندر ایک صبر کی کیفیت آئے اور ان کو نظر آئے کہ یہ جو این جی اوز کام کر رہی ہیں یہ اتنے بڑے پیمانے پہ کر رہی ہیں کہ ہمارے محلے میں آئے گا ہی آئے گا۔ بے شک بہت بڑے پیمانے پہ کر رہی ہیں، اور مگر میرا سوال وہی ہے کہ سوشل ڈسٹینس مینٹین رکھنا ہے، حفاظتی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، اس کے ساتھ حکومتوں کی جو آپ کو سپورٹ ہونی چاہیے۔ کمل شہزاد صاحبہ، یہ جو آپ نے ٹائیگر فورس کا اعلان کیا آپ کی لیڈر نے، ابھی ٹائیگر فورس کیسے کام کرے گی، کب کام کرے گی، کہاں کام کرے گی، کون سے فنڈز ہیں، طریقہ کار کیا ہوگا، ان کو اپروچ کیسے کیا جائے گا، کوئی ڈیٹیل موجود نہیں ہے اور وقت بہت گزر چکا ہے۔ دیکھیں مسعود صاحب، آپ کو بھی میں بتاؤں، وزیر اعظم نے جس دن اناؤنس کیا ہے، اس کے بعد عثمان ڈار صاحب نے بھی کیا ہے، پی ایم پورٹل پہ سمپل پہلے رجسٹر کرانے، 8 لاکھ لوگ جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں، آخر انفارمیشن گئی ہے تو تبھی ہے۔ دیکھیں احساس پروگرام اور یہ جو ٹائیگر فورس ہے یہ مل کے کام کرے گی۔ احساس پروگرام کا جو فیز ون ہے اس میں بس کے جو رجسٹرڈ لوگ ہیں ان تک جو ہے وہ کیش ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، جس میں سندھ میں بھی بہت کیش ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کفالت پروگرام ہے جس سے 12,000 یکمش کیش ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اور وہ 17,000 اس کے کیش ٹرانسفر پوائنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بھی آج بھی ڈاکٹر صاحبہ نے ایک چیز ایڈ کرنے دیں مجھے پلیز، کہ آپ نے پیسے دے دیے لوگوں کو، اب لوگ جائیں گے دکان پر، جس وقت دکان کھلی ہوگی وہاں رش لگائیں گے، وہاں سے سامان خریدیں گے،
इससे कोरोना फैलेगा रुकेगा। 22 करोड़ की आबादी है मसूद रजा साहब, यहाँ पर कुन फाया कुन नहीं चलता है, यहाँ पे आपको सिस्टम डेवलप करने पड़ते हैं। कराची में लॉकडाउन जिस वक्त हुआ तो हमारे मेरे इलाके के अहमदपुर शरकिया के 30 दिन से लोग वहाँ फंसे हुए हैं और उनके बीवी बच्चे वहाँ भूख से बिलबिला रहे थे, जिनको हमने राशन पहुँचाया है डोर टू डोर। अभी आपने इनकी बात सुनी, मेरे भाई जो इतना बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, जब इतनी बड़ी आबादी भूख से निढाल हो रही हो तो मुझे आप बताएं कि डोर टू डोर घरों में लोग कैसे सामान पहुंचाएंगे। यही बात वजीर आजम कहते थे कि पहले आप स्ट्रेटजी बनाएं और फिर आप एब्सोल्यूट लॉकडाउन पे जाएं, वरना मसाइल बढ़ जाएंगे और वसाइल हमारे महदूद हैं। अब हम लोग मल्टी स्ट्रेटजी से चल रहे हैं, राशन पहुंचाने का काम अलग चल रहा है, कैश ट्रांसफर का साथ साथ चल रहा है और ये टाइगर फोर्स ने यही काम करना है जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन का है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को कैश की भी जरूरत है। जो लोग खुद मैनेज कर सकते हैं जाके वो कर सकेंगे। वैसे भी मैं आपको अनफॉर्चुनेटली बताऊं, शैला रजा साहबा भी बोल रही थी, जब इंसान भूखा होता है ना तो ना उसको अपनी जान की परवाह रहती है ना उसे कोई, उन्हें कोरोना की कोई फिक्र ही नहीं है। जो भूख से बिलबिला रहे और घरों में बंद हो गए वो ज्यादा हमारे लिए मसला बन गया कि वो और ज्यादा तरीके से निकलते हैं। मैंने अभी अपने इलाके में ये डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट किया, आप यकीन माने मेरे अपने जो पीटीआई के कई लोग थे जिन्होंने वॉलंटियर किया कि हम लोगों के घरों में पहुंचाएंगे, जहां मेरा घर है वो एक गली के अंदर है जो मेरा अबाई घर है, जिस वक्त वहां पे गाड़ी पहुंची है राशन डंप करने के लिए कि वहां से पूरे मोहल्ले में एक एक के घर जाना है, उस वक्त लोगों को पता लगा कि यहाँ राशन आया, 500 लोग इकट्ठे हो गए, हमें फौज बुला के उनको डिस्पर्स करना पड़ा। तो ये हाल हुआ है, इसलिए हमें ये चीजों को देख के चलना है। कैश की भी जरूरत है ताकि लोगों के अंदर जो एक पंजाबी में कहते हैं बेवसायापन होना, यानी इनसिक्योरिटीज है, अच्छा, वो खत्म हो। भी एक जुमला दूसरा यही टाइगर फोर्स के लोग बना हुआ है, तो लोग कह रहे हैं कि आप उनके लिए मसला बने हुए या वो आपके लिए मसला बने हुए। हुकूमत के पास निजाम भी है और हुकूमत के पास डेटा भी है, उसी को यूटिलाइज किया जा रहा है। इस वक्त एक स्ट्रेटजी पे नहीं चल रही है हुकूमत, कोई 5 तरीके से जो है वो राशन और रिसोर्सेज लोगों को दी जा रही है। बाकी जो ये मुस्तहिक एक लफ्ज होता है ना, जिसका भी मेरे भाई ने जिक्र किया, मुस्तहकीन की हम सिचुएशन से आगे जा चुके हुए हैं। इस वक्त जो लोग खुद कमाते थे वो घरों में बैठे हुए, इसलिए मुस्तहकीन को आइडेंटिफाई करने का जो निजाम ये फरमा रहे हैं उससे बात आगे जा चुकी है। जो लोग दिहाड़ीदार थे, जो बेरोजगार हुए हैं, वो भी इस वक्त मुस्तहक हैं, उनको भी जरूरत है उतनी ही जितनी किसी एक गरीब आदमी को जरूरत है। इस वक्त हमारे पास या गरीब लोग हैं या बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को जहन में रखें, ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसको उन तनाजुर में ना तोले जिस तरह एक नॉर्मल हालात में चल रहा था काम। तो डीसीज के साथ भी और जो जितने नुमाइंदे हैं, जितने एमएनएज हैं, चाहे वो अपोजिशन के हैं चाहे जो भी इलेक्टेड एमएनए है, वो अपने इलाके का जिम्मेदार है। और टाइगर फोर्स के लिए पीएम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराएं, 14 तारीख से वो अपनी ऑपरेशन स्टार्ट करिए, और उसका एक काम नहीं है, उसमें डॉक्टर्स हैं जिन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, जिसमें राशन तकसीम करने के लिए यूसी लेवल पे पॉइंट आ गया है, वो डाउनलोड करने सोसाइटी में मसला पैदा हो चुका है। तो शैला रजा साहब, जब पूरी सोसाइटी में मसला पैदा हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में हुकूमतें जरूरी चीजों पर इतनी सब्सिडी दे देती है कि हर एक को आसानी चीज मिल जाए, किसी को मसला ना हो, वो नजर नहीं आ रहा हमें। देखिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे साथ जो है वो जमात इस्लामी के लोग भी काम कर रहे हैं और एमक्यूएम के लोग भी काम कर रहे हैं, पीटीआई के भी जहां जहां काउंसिलर से, हमने इसमें वक्त जाया ही नहीं किया है। इससे पहले कि हमें नादरा को जो रोक दिया गया था या टेलीकॉम को या पीटीए को, हमने यूनियन के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और वार्ड काउंसिलर के साथ, मैं तो ये बात कह रहा हूं कि आज वो लोग जो दिहाड़ीदार थे वो कमा नहीं पा रहे ना, उनके पास कम पैसे बचे, तो ऐसी सूरत में हमेशा दुनिया भर में होता है कि सब्सिडाइज कर दिया जाता है जरूरी चीजों को, आटे को सस्ता कर दिया जाता है, चावल को सस्ता कर दिया जाता है, वो भी तो नजर नहीं आ रहा है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दस अरब का पैकेज दिया है जी, सारी सब्सिडी दी, ये एक नेचुरल डिजास्टर है। इस वक्त पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक इससे लड़ने में नाकाम हो रहे हैं और हमें ये समझना चाहिए कि हमें इसको किस तरह से लेके चलना है। और मैं समझती हूँ ठीक है कुछ बेढंगी चाल हो सकती है, लेकिन आप अगर कोई हुकूमत अपने सारा जो उसको फंड मिला है वो वेबसाइट पर डाल चुकी है, तो इसका मतलब है कि हम सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा, आजकल पेंडेमिक है, लेकिन अगर आप
एक कोई चीज बांटने के लेके खड़े हो जाएं, आप पूरे बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े बचा पाएंगे आम दिनों में भी, और सब कहेंगे हमें नहीं मिला। हमने 2010 के फ्लड में भी काम किया है, सुपर रेन में भी काम किया है। मैंने पहले ही बताया था कि 1,40,00,000 खानदानों को 3 दिन में 25,000 रुपए भी दिए थे, खाना भी किया था, कैंप भी थे, सब था। और मैं बड़े अफसोस से कहूंगी हमारे रवैये कि हम वहाँ होते थे और हम वहाँ देखते थे कि बड़े बड़े वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खाना आता था, वो बढ़ता था, सब था, लेकिन जैसे मीडिया पहुंचता था लोग कहते थे कुछ भी ना मिली हो, कुछ भी ना मिली हो। और जब वो यहाँ से गए हैं तो दो दो जाते थे और पूरी पूरी बस भर के उनके राशन और चीजें जाते थे। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने उनके खेमों में मैट्रेस बिछवाया, वो उन्होंने भेज दिया, हर एक को कूलर दिया, वो भेज दिया, चप्पल देते थे, वो भेज देते थे। तो सूरत हाल में मसले हैं, हमें अपनी नेचर को समझना होगा। हम में से लोग जो है ना वो अपने तौर पे ये कह देते हैं कि बस जी अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं समझती हूँ कराची में इस वक्त हुकूमत की तरफ से और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जितना किया जा रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। चलिए बेहतर, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। आप कह रही हैं इसकी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा तरह साहब, इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वक्त गुजरता चला जाएगा और ये सूरत हाल ऐसी चलती जाएगी तो हम थकते चले जाएंगे। बहुत ज़रूरी था कि कंप्लीट लॉकडाउन होता और उस दौरान लोगों की मदद भी की जाती और इस तमाम मामले को संभाल लिया जाता, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ पर ज़्यादा जोर नहीं आता और मामला उससे पहले ही निमट सकता था। लगता है कि आपको इसमें देर कर दी गई है और अब वक्त हाथ से निकल चुका है और मामला हाथ से निकल चुके हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे पूछता हूँ मैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। अता तरर साहब, जैसे मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि सिंध में 21वां दिन है लॉकडाउन का, पंजाब में भी तकरीबन 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं। अगर हम सिंध में 9 दिन और लॉकडाउन बढ़ाते और एक मौसर लॉकडाउन होता तो हमारे 2 साइकिल कंप्लीट हो चुके होते और पूरी दुनिया ये बात मानती है कि अगर 2 साइकिल कंप्लीट हो जाएँ तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं इस वायरस को और फिर कोशिशें करके अपने सोसाइटी को सेव कर सकते हैं। बुरी तरह से हम नाकाम हुए हैं। 21 दिन ये गुजर चुके, लॉकडाउन जो होना चाहिए था, जो इन्फोर्समेंट होनी चाहिए थी वो नहीं है। पंजाब में भी कोई एक यही सूरत हाल है। तो अगर इस तरह से हम करते रहेंगे, अपनी इमदादी कोशिशें भी करती रहेंगे तो हम तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। हम कैसे इस मसले का हल निकालेंगे? मसूद साहब देखिए, एक तो कमल साहिबा ने बात की ना कि 6 स्ट्रेटजीज हैं, तो इसी वजह से तो कन्फ्यूजन है कि ये एक दिन में 6 स्ट्रेटजीज तब्दील होती हैं। हमने पहले 2 हफ्ते ज़ाया कर दिए इस बहस के अंदर कि लॉकडाउन होता क्या है और लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या फ़र्क है और लॉकडाउन पार्शियल लॉकडाउन क्या है, मुकम्मल लॉकडाउन क्या है। ये जब ऑपोजिशन में थे और जब धरने कर रहे थे और जो दूध और शहद की नहरें बहाने के दावे कर रहे थे, तो देखे ना, लीडरशिप दिखानी पड़ती है, ओनरशिप लेनी पड़ती है। सिंध ने जो फैसला किया, सिंध में केसेस में कमी वाकई हुई, पंजाब में इतने केसेस नहीं थे, पंजाब में वीक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से और फैसला साजी की कुव्वत ना होने की वजह से। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं 2,425 केस है, सिर्फ 400 केस पंजाब में टेस्ट ज्यादा हुए हैं और इनका कोई कंट्रोल नहीं। और अभी अभी आप देखें कि ऑन पेपर ये कह रहे हैं कि 3100 टेस्ट एक दिन में हो रहा है, 3100 नहीं है। मैं आपकी बारे में नहीं बोला मोहतरमा, आपकी बारे में नहीं बोला, प्लीज सिर्फ ये ज़हन में रख ले। मैं एक दफा नहीं बोला, एक दफा नहीं बोला, नहीं ना करें, ना करें ना इस तरह। वो आप अपनी बारी पे जो मर्जी बोलें, आप जो तोता मैना की कहानी सुनानी आप सुनाएं, मैं कतन आपकी बारी में नहीं बोला, इसलिए प्लीज प्लीज ना बोलेगा। मैं आपसे मुद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं। तो पंजाब में केसेस में भी इजाफा हुआ, लॉकडाउन भी बिल्कुल नहीं है और वजीर आला साहब ने जो फिजाई दौरा किया देखने के लिए कि कितना लॉकडाउन है, वो रिपोर्ट तो ऑन ग्राउंड आपको पुलिस की लोकल बीट से मिल जाती है, तो फिजाई दौरे की भी कोई तुक नहीं थी। और अभी तक मैं आपको बता रहा हूं, ये पोर्टल की बात यहां पे हो रही है, यकीन मानिए हमारे किसी मेंबर से राबता नहीं है। हमारे 84 इलेक्टेड मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली में, 166 हमारे एमपीएस हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी मेजोरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब काना के भट्टा मजदूर जो कि इधर से थोड़ा दूर है, उसे जाके बताएं कि ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करें, क्योंकि हमें तो किसी ने नहीं बताया। आईडी कार्ड लोगों से मांगे जा रहे हैं, उसके बाद उनको बेसरो सामानी की हालत में छोड़ा जा रहा है। और जो वजीर आजम साहब ने गवर्नर हाउस लाहौर में फोटोशूट किया, वो एक डब्बा राशन का पकड़ के, तो उस बारे में मसूद साहब बड़ी अफसोस की बात है। ये लोगों की दहलीज तक पहुंचने चाहिए, लोगों की इस तरह बेतौकीरी ना की जाए।
इसमें बहुत ज्यादा सुकम है। और जो ये टाइगर फोर्स की बात कर रहे हैं, मैं कंवल साहिबा को पहले भी गुजारिश की थी, 2 लाख पोलियो वर्कर्स हैं पंजाब में, सिर्फ 50,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, इतनी बड़ी फौज जफर मौज है, उसको किस दिन इस्तेमाल करेंगे? ये पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है, राइज अबव पॉलिटिक्स, मुश्किल फैसले करने होंगे, रिलीफ भी देना होगा। हकूमतों का ये काम होता है, हकूमतें ये नहीं कहती कि हम ये नहीं कर सकते, हकूमतें कहती हैं कि ये है प्लान और ये हम इंप्लीमेंट करेंगे और ये हम करेंगे। ये अभी सिर्फ हमें वादे नजर आ रहे हैं कि जी आने वाले दिनों में टाइगर फोर्स आएगी, वो ये करेगी, वो करेगी। जवाब दे लेने दीजिए। ऑन ग्राउंड कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूं, और ये जो राशन बांट रहे हैं तस्वीरें खिंचा के, मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, खुदार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन तो बढ़ रहा था, वो फोटो से डर गया। ठीक, तो बात ये है कि कौम को यकजा कीजिए, कौम को तकसीम मत करें। और अभी तक मैं आपको बताऊं, इनकी वेबसाइट है covid.gov.pk, उस पे जियो टैगिंग नहीं है, मैप अवेलेबल नहीं है, नहीं बताया जा सकता कि किस इलाके में वबा ज्यादा है। मैंने मुखलिसाना तजवीज दी थी कि पेशेंट्स की जियोग्राफिकल टैगिंग करें, और जिन एरियाज में पेशेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सर अभी तो सबसे बड़ा मसला ये पड़ा हुआ है कि ऑनलाइन देख करने के लिए वायरस को आप मौसर लॉकडाउन तो कर सकें, जो दुनिया ने किया वो हम नहीं कर पा रहे। जफर साहब, आप जितनी भी कोशिशें कर लें, कब तक करेंगे, कहां तक करेंगे, अगर आप बुनियादी स्टेप नहीं लेते कि आप मुकम्मल लॉकडाउन करें और फिर कहें कि जो हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, किसको क्या पहुंचा सकते हैं। देखें मसूद भाई, जो लोग टाइम गुजरता रहेगा, आप कैसे काबू पाएंगे? देखें, जो लोग इस वक्त भूखे घरों में बैठे हुए हैं, वो ये सब कुछ देख रहे हैं, सूबों और वफाक की लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं सुबह थर में राशन बांट रहा था, वहाँ पर इंटरनेट नहीं है, तो कौन कैसे रजिस्टर्ड होगा मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आपके पास सिस्टम पूरा था, पोस्ट ऑफिस का निज़ाम था, बड़ी बड़ी कोरियर कंपनीज थी जिनके एक एक शहर में 20,000 राइडर हैं, सारी कंपनियों को मिलाते 3 दिन के अंदर आप हर एक के दरवाजे पर मौजूद होते। वो जो डॉक्टर सोमरो शहीद हो गए कोरोना वालों का इलाज करके, वो जो नर्सें शहीद हो गई, उन्होंने अपने आखिरी मनाजिर यही देखे मरने से पहले, कि इतनी बड़ी आफत जब दुनिया में आई, कौमें एक हो गई और हमारे यहाँ वफाक और सूबे लड़ रहे थे कि इसके ऊपर कर लो मार्केटिंग ताकि इलेक्शन में अच्छे नतीज मिल सकें। बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि अगर पाकिस्तान का हर शहरी निकलकर अपनी पुरानी आबादियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने गरीबों के नहीं जाता, तो आज जो लोग घरों के अंदर बैठे हैं शायद घरों में नहीं होते। और उसके बाद जो फलाई इदारों ने काम किया है, मैं जितना खराज तहसीन पेश करूँ, चाहे वो कोई भी इदारा हो, कमाल काम कर रहे हैं। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मसाजिद, मदारिस, चर्च, मंदिर सब लगे हुए हैं, लेकिन बस वो एक चीज का इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग कब आएंगे। आज 21 दिन गुजर चुके हैं, मैं तो उस वक्त से काम कर रहा हूं जब सखर में लोग उतरे थे आके, तो मेरा अगर काउंट करेंगे तो मेरे तो 2 महीने पूरे हो चुके हैं काम करते हुए। लेकिन बहुत अफसोस के साथ सियासी पॉइंट स्कोरिंग, बे इंतहा बातें, बे इंतहा टॉक शोज, आवाम बोल रही है कि हम घरों में बैठे हुए भाई, प्राइवेट इदारे नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि हमने 8,000 लोगों को फारिग कर दिया, हमने 10,000 लोगों को फारिग कर दिया। कोरंगी की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल ऐलान करती है कि मेरा बाहर का सारा काम बंद है, जितना स्टाफ था कई हजार लोग, सबसे बड़ी कंपनी टेक्सटाइल की, सबको फारिग कर दिया। अभी तो इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। शरह नमू 5.6 थी लास्ट गवर्नमेंट में, इस वक्त 1.9 पर थी, लेकिन कोरोना का लॉकडाउन उसमें शामिल नहीं था, 75 लाख लोग बेरोजगार होने थे। अब इस लॉकडाउन को, ये जो सब कुछ बंद है आपका, पोर्ट, एयरपोर्ट, बिजनेस कारोबार, उसके बाद कितने करोड़ लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं? कौन सी प्लानिंग हो रही है, कैसी प्लानिंग हो रही है? आवाम भूल चुकी है सारी बातें, आवाम सिर्फ ये सोच रही है कि आज एक रात मेरा बच्चा भूखा सो गया है, मैंने खाना नहीं खाया, मेरी बीवी ने नहीं खाया, 2 बच्चों को खिला दिया। उस औरत की वीडियो देखी ना जो नेट पर चल रही है कि मैं अपने बच्चों को पानी के अंदर शक्कर मिला मिला के पिला रही हूं, दूध नहीं है मेरे पास, तुम क्यों कर रहे हो? बिल्कुल आपकी बात पहुंच गई जी। कंवल शाह साहब, आप गुफ्तगू आपने सुन ली, जवाब दे दीजिए, आपके पास एतराजात मौजूद है, तरल साहब ने भी उठाए और जफर साहब ने भी उठाए। देखिए जी, जहां तक ये अता तारड़ साहब की आदत है, पंजाब से इनका जाने के बाद से दिल जो है वो तकलीफ ज्यादा है। मैं हैरान हो रही हूं कि इतने मुश्किल हालात में जिस वक्त इनको किसने अप्रोच करनी है, इन्होंने खुद अप्रोच करनी है, पीएम पोर्टल पर रजिस्टर कराए, इस वक्त वहाँ पर किसी ने आगे अपनी ये नहीं लिखना होता है कि उसकी पार्टी कौन सी है, उसने पाकिस्तान के सिटीज़न होने के हिसाब से अपने आप को वॉलंटियर करना है। ये किस इंतज़ार में बैठे हैं कि इनको लोग फ़ोन करेंगे कि आप आएँ और आके लोगों की मदद करें? अगर इन्होंने करनी है तो करें, आगे निकलें, हर चीज़ अवेलेबल है। और ये इतनी रिसर्च करते हैं, पाकिस्तान में 33% लोगों के पास स्मार्टफोन है, 100 में से 33%। आपको पता है पाकिस्तान के कितने लोग जो हैं वो इजी पैसा यूज करते हैं?
देखिए जी, पोर्टल पे सिर्फ उन लोगों ने पहुंचना है जिन्होंने वॉलंटियर करना है। लोगों ने इमदाद पोर्टल से नहीं ले रहे हैं, ये वही लोग होंगे जो दूसरों तक इमदाद पहुंचाएंगे। मसूद रजा साहब, थोड़ा सा हमें ऑप्टिमिस्टिक भी होना है। अगर आप समझते हैं कि एक दिन में मैजिक हो जाएगा, फिर आप इनसे सवाल करें कि ये यहाँ पे कौन सा निज़ाम छोड़ के गए हैं, क्यों नहीं यहाँ पर इतनी तरक्की हुई। आप अमेरिका और चाइना की मिसालें देंगे और समझेंगे कि इस वक्त हम चाइना की तरह टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कोरोना के दिनों में ले आएंगे और अपनी आवाम को इतना एजुकेट कर देंगे। अभी शैला रजा साहबा जो बात करी थी, आपने वो मनाजिर भी देखे कि लोग जाके एक्स्ट्रा राशन ले रहे हैं और उसके बाद ले जाके दुकानों पे वापस सेल करें। ये चीजें भी हमें ज़हन में रखनी है कि हमने जिन लोगों से मुकाबला कर रहे हैं वो कोविड-19 से ज्यादा मसले वाले लोग हैं। लोगों को इस वक्त ये भी एहसास दिलाना है कि आप अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें स्टॉक ना करें, अपनी जरूरत से ज्यादा इमदाद अपने घरों में ना डालें कि आपके पड़ोस में जो आप जैसा बंदा बैठा हुआ है, मजबूर है, बेकस है, वो भूखा सोएगा या उसके बच्चे भूख से मरेंगे। ये चीजें भी हमें सोचनी है। ये अब आगे रमजान शरीफ भी आ रहा है, ना करें हमारे अंदर ये जज्बे पैदा हो कि हमें बेईमानी और करप्शन से बाहर आ जाए। ये वो टाइम नहीं है कि हमें लोगों को डिस्करेज करने की जरूरत है और इस वक्त हम मसलों को इतना बढ़ा के बयान करें कि मुझे और आपको देखने वाले इस वक्त और ज्यादा एहसास उसमें मुब्तला हो जाए कि पता नहीं हमारे साथ क्या होने जा रहा है। लोगों को इस वक्त 17.5 अरब रुपया कैश ट्रांसफर हो चुका है, 1200 अरब का पैकेज आया, आखिर वो जा रहा है लोगों के पास। सारी हुकूमतें इस वक्त लगी हुई है आवाम को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जिनका दिल कर रहा है वो जो यहां से बैठ के नंबर्स गिनवा रहे हैं, वो आए क्यों नहीं सामने आते हैं। इनके इलेक्टेड मेंबरान है, सबको इस वक्त कहा गया है कि आप तशरीफ लाएं और जो जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में है वो अपने साथ जो भी टाइगर फोर्स के लोगों के नाम रिकमेंड करने हैं वो रजिस्टर कराएं। टाइगर फोर्स में नाम रिकमेंड करें और आके जाके अभी वक्त है, अभी वक्त है, टाइगर फोर्स में भी नाम रिकमेंड करें। ये फोर्स जब बन जाएगी तो फिर काम शुरू होगा, अभी थोड़ा इसमें वक्त लगेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, बहुत मुख्तसर सा टाइम रह गया है। शैला रजा साहिबा, अभी टाइगर फोर्स बन रही है, ये जब बन जाएगी पोर्टल पे लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे फिर ये काम शुरू करेगी। एक महीना गुजर चुका है, हो सकता है अगले महीने तक ये काम शुरू कर दे। कैसे लॉकडाउन कंप्लीट मौसर कर पाएंगे जब लोग ही घर पे रुकने को तैयार नहीं होंगे, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी? अच्छा देखिए, मुझ में और फैसल वाडा में यही फ़र्क है कि जो कुछ लोग कुछ नहीं करते वो तनकीद करते हैं। मर्जी है हुकूमत की, साहिब इख्तियार हैं कैसे काम करें, लेकिन हमने जो कर सकते थे डीसी के साथ, यूसी चेयरमैन के साथ, डिप्टी चेयरमैन के साथ, वार्ड काउंसलर के साथ, हर पार्टी के लोग लगाए हैं और उन्होंने ही लिस्ट बनाई है और उन्हीं के थ्रू राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 2 लाख कराची में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। यही हमारे पास तरीका है, फूड पांडा और बाइकिया को हमने किया हुआ है और करते रहेंगे। हमारे यहाँ 1 अरब 8 करोड़ रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए हैं फिलहाल। फूड पांडा और बाइकिया शहरों में तो मौजूद होगी, गांव देहात में कहाँ होगी मैडम? अब थर की थर में कहाँ फूड पांडा? गांव देहात में वहाँ के लोगों ने हमसे पहले ही काम शुरू कर दिया था। उन्होंने हुकूमत की भी नहीं की थी, जो वहाँ के MNA है, MPA है, उन्होंने अपने तौर पर शुरू कर दिया था। लेकिन बात यह है कि इस सिलसिले को लंबा चलना है, हमें सेंट्रलाइज्ड एफर्ट करनी होगी। शोर मचा के काम करने वाले भी हमने देखे हैं, ड्रामे वाले भी हमने देखे हैं। हमने ये देखा कि सखर में क्वारंटाइन में जो है जब लोगों को रखा गया तो सखर में सबसे कम केस हैं, क्योंकि वहां पर इस पे यकीन किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है। आप ये कह रही हैं कोऑर्डिनेटेड सेंट्रलाइज्ड एफर्ट की जरूरत है, नजर नहीं आ रही। मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। कमल शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, शैला रजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आता सरार साहब आपका बहुत शुक्रिया, जफर अब्बास साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ऐसी कोशिशों की ज़रूरत थी जो एक अम्ब्रेला के नीचे हो रही होती, ताकि पूरे मुल्क में एक जैसा निज़ाम मौजूद होता, एक मौसर लॉकडाउन होता। तकरीबन एक महीना गुजर रहा है, कुछ लोगों को काम करते हुए 2 महीने गुजर चुके हैं और अब लोग थकते चले जा रहे हैं। आपको 2 कंप्लीट साइकिल मुकम्मल करते हैं भरपूर लॉकडाउन के, छोटी छोटी जगहों को ब्लॉक करके, उनको सील करके। अगर आप समझते हैं कोरोना पे काबू पा लेंगे तो दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है। अल्लाह करे कि इस वबा से हमारी जान छूटे और हमारे हुक्मरानों को भी अकल आए, आवाम भी इस बात को समझें और हम एक होकर इसके ख़िलाफ़ काम कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।